Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. दिन है आज जी थर्सडे, मंथ है अप्रैल, डेट पता नहीं क्या, वो आप खुद देख लें, यही चल रहा होगा जी। और मैं हूँ 9th Avenue पे, और किस पे हूँ, GS पे हूँ। GS का मज़ा लिया जाए थोड़ा आज भी, यानी कि थोड़ी सी लोकल राइड भी करके देखें। अब तो ये है कि एक आध दिन ही रह गए, उसके बाद तो फिर रमज़ान होगा। रमज़ान में अब ये है कि खैर मौसम अच्छा हो तो आपके लिए वीडियोस तो आती रहेंगी। और हाँ, टूर तो ऑब्वियसली, टूर तो वैसे ही बंद है, रमज़ान में टूर तो नहीं हो सकता, छोटी मोटी राइड या इस तरह की आता रहेगा। उस दिन जी व्यूअर्स बड़ा इन्जॉय किया है इसकी GS की राइड GT पे, और मैंने देखा है कि सस्पेंशन भी ठीक है। सस्पेंशन को वैसे मैं कुछ करूँगा एडजस्ट थोड़ा सा, यानी मिडल में कर दूंगा इसको, अभी तक नहीं की, शॉक्स फुल हार्ड पर एडजस्ट है, तो मिड में करके देखूंगा और फिर वो भी आपसे शेयर करूंगा कि क्या है। रोड अचानक यहाँ पे क्रॉस करते हैं, आपने देखा, इसलिए स्पीड विद इन लिमिट बहुत ठीक होता। हमेशा ऐसे राइड करें कि आप एक्सपेक्ट करें कि कोई भी आ सकता है किसी टाइम भी, उस तरीके से राइड करना चाहिए। नाइन्थ एवेन्यू और जी, आई एम गोइंग टू वर्क टू माय वर्क प्लेस। और हाँ अच्छा, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं इसका नोट की फ्यूल एवरेज, मतलब मैंने आपको बताया था 40, लेकिन अच्छी है, यानी बहुत एग्जैक्ट करने के लिए तो फिर फुल टू फुल बंदा निकले ही उस मिशन पे, और काफ़ी लॉन्ग ज़ाहिर जाना पड़ेगा, काफ़ी ठीक ठाक तो फिर पता चलती है बिल्कुल, लेकिन ये कि अच्छी है, बिल्कुल फील नहीं होती कि काफ़ी ज़्यादा डल गया है, या सही है, मेरा ख्याल है 40 है ये। और क्योंकि GS सीज़न चल रहा है तो फिर मैं चाह रहा था GS ही आपसे शेयर करूं। इधर से हम हो जाएंगे लेफ्ट। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ और भी उधर देखना चाह रहा हूँ कि इस पे ये वेट पे कैसा परफॉर्म करती है। मैं जल्द लाऊंगा वीडियो कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब असल चीज़ तो ये है ना, खाली बाइक तो सारी भागती फिरती हैं, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं हो, तो टॉप स्पीड लगा देना कोई टेस्ट नहीं है। ऑनेस्टली असल टेस्ट है कि वेट पे अंडर स्ट्रेस और अंडर, मतलब स्ट्रेन क्या, ये कोई सोचती तो नहीं, बार वेट पे कैसा परफॉर्म करती है GS, जो असल जिसके लिए मशहूर है। खाली टॉप स्पीड, टूरिंग बाइक टॉप स्पीड के लिए होती भी नहीं है, ठीक है, जैसे अक्सर कहते हैं जी CB अच्छी है लेकिन टॉप स्पीड नहीं लगाती, भाई वो टॉप स्पीड के लिए नहीं है, वो टूरिंग उसका मकसद है CB का, यानी उस पर जान है, टॉर्क है बहुत ज़्यादा, और जब ज़ाहिर है टॉर्क आप देंगे तो फिर टॉप स्पीड मैटर नहीं करती,
लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत है, अच्छी है उसकी, डिसेंट। अच्छा, तो इसी तरह यानी जीएस का भी असल तो यही टेस्ट है ना, कि उस पर वेट डाला जाए और कैसा परफॉर्म करेगी, पहाड़ों पे कैसा करेगी। अच्छा करती है यानी, मुझे पता है, लेकिन मैं खुद यानी एक्सपीरियंस अपना लेना चाह रहा हूँ कि क्या फील आती है। देखा तो है, मेरी आंखों देखे हाल है, यानी मैं जो बताया था कि मैं वैगो पे था, हम लोग दो थे और वो रह गई थी पहाड़ पे क्योंकि स्लो चलानी पड़ रही थी, जबकि जीएस पे तीन बैठे हुए थे और सही जान वाले हैवी, और वो ऐसे मज़े से जा रही थी जैसे कि वो जैसे आम बाइक सिंगल पे जाती है ना, तो जीएस उस तरह जा रही थी तीन पर मज़े से, और वो देख के हैरान हो रहे थे। मैं वैगो पे था और हाँ, उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये क्या वैगो क्या ले ली, मेरे नर्स पे फिर सवार हो जाती है ऐसी चीज़ें। फिर खैर मैंने वो बेच दी किस्तों पे, एक दोस्त ने लिया जो तैयार होते हैं हर कोई भी चीज़ किस्तों पे मिल रही है सस्ती, टूटे हुए पैसों पे, लेकिन जब दिल से उतर जाए चीज़ तो फिर बंदा दे देता है। अच्छा, वैसे वैगो के यानी ब्रेकिंग सारा कुछ ठीक था, लेकिन इंजन में जान नहीं थी, तो वो चीज़ इसमें नहीं मुझे फील, हाँ पता चलता, मज़ा आता। बाकी आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैं शायद इसके थोड़ी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन वगैरह, यानी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी मैं चाह रहा हूँ इसमें की जाए। एक तो लाइट का मैं करूँगा, लाइट का मैंने देखना है, कईयों ने मुझे बताया कि जी मिनी पजेरो जो होती है उसकी हेडलाइट भी इसको बड़ी अच्छी फिट आती है, फिर कई कहते हैं कि YBZ की भी अच्छी आती है, YBZ या YBR125G की, वो भी ऑप्शन है, मैं सारी चीज़ें देखूंगा। मिनी पजेरो की तो खैर लाइट उसकी बीम की बहुत ही अच्छी होती, बहुत तेज, लेकिन उस सूरत में मेरा ख्याल है कोई रिले ज़रा की एडिशन करनी पड़ेगी, तो वही मैं चाह रहा हूँ कि पूरी रिसर्च करके आहिस्ता आहिस्ता, और ओवर मैं नहीं करना चाह रहा इसको कि जी बहुत ज़्यादा ओवर हो या इसकी वायरिंग पे स्ट्रेस आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब चीज़ें इंस्टॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वायरिंग इसकी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जो तो बस यही है व्यूअर्स, और बाकी फ़िलहाल अब मुझे दें इजाज़त, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी छोटी छोटी जिसमें मैं आपको हेलो हाय करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।